तो गाइस, तो मैं और मम्मी हम दोनों निकल पड़े हैं बाहर घूमने जाने के लिए, और आज हमने सोचा है कि घर आके कुछ चैलेंज करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, हम लोग घूम के आते हैं, आप लोग भी साथ में घूमने आना, ठीक है। तो सबसे पहले हम आए हैं सब्जियाँ लेने के लिए। हम जिस सब्जी भंडार में आए हैं वहाँ पे सारी सब्जियाँ मिलती है, मतलब एवोकाडो और सारी फ्रोजन भी सब कुछ रखते हैं वो लोग, आपको जो भी सब्जी चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाती है। ये ऑरेंज कलर के कैरेट है और ये रेड कलर के कैरेट है। बहुत सारी सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पे। सब्जियाँ तो मिलती है, साथ में यहाँ पे फ्रूट्स भी सारे टाइप्स के मिल जाते हैं। मगर आपको पाइनएप्पल खाना तो वो भी मिल जाएगा, और नारियल लेना हो तो वो भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और हमारी यहाँ पे चाय भी आ गई है शाम की, तो चाय पियेंगे और फिर आगे कुछ करते हैं चैलेंज का। मैंने सोचा है मैं क्या करने वाली हूँ, तो बताती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। और आप लोग तब तक हमारे ब्लॉग में बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी कर देना, ठीक है। और नीचे कमेंट भी करके बताइए आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, ठीक है। और यहाँ मम्मी है ना सब्जियाँ कट कर रही है, तो गाजर को कट कर रही है, तो हम लोग बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, फिर कल बनाएंगे। हेलो गाइस, तो मैं कर रही हूँ आज नो फिंगर चैलेंज। मैं सिर्फ एक ही हाथ का करूँगी, ठीक है, दो हाथ का पॉसिबल नहीं होगा, एक हाथ तो फ्री चाहिए ना यार। तो ये देखो मेरा बड़ा सा सैलो टेपड़ा है, ये क्या है, सैलो टेपड़ा। तो अब हाथों को और अंगूठे को दोनों को मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, इस तरह से बड़ा आवाज करती हूँ। तो हाथ दुखने लगेगा तो मैं निकाल दूंगी, चैलेंज। ये देखो पैक हो गया हाथ, ये देखो मैंने मेरा पूरा हाथ इस तरह से सेलो टेप से बंद कर दिया है। अब देखते हैं सिर्फ इससे और इससे काम किस तरह से चलता है, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, वी फॉर विक्ट्री नहीं, वी फॉर व्लॉग। सबसे पहला तो टास्क ये है कि इस ट्राइपॉड में से इस हाथ से कैसे निकालूं मैं। हाँ, निकल गया फाइनली। तो अब मम्मा मुझे थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़े थोड़े कुछ कुछ टास्क देती रहेगी, जिससे मैं एक हाथ से करने का ट्राई करूंगी। अब देखते हैं वो पाता है कि नहीं। हेलो, देखो फ्रेंड्स, इसको वो चैलेंज, अब ये एक हाथ से पानी पिएगी वो। गिरा 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 चलो अब तुम्हारा नया टास्क है, ये पकोड़े के लिए आटा छानना है। मैं तुम्हें खाली थोड़ा देने के लिए हेल्प करती हूँ, छन्नी से तुम यूज करोगे। ले भी मैं ही लेती हूँ, नहीं चलेगी बस इतना, पूरे गांव के पकोड़े नहीं। देखो मैं कुछ करती हूँ, आटा नहीं, इसको ऐसे टाइट कर देती। एक दिन ऐसा करेंगे चैलेंज कि एक हाथ ही नहीं यूज करेंगे, फिर देखते हैं कैसा करते हैं। हाँ, अभी नहीं करती, अभी मैं सिर्फ उंगलियों से तो शुरू करूं। अच्छा, खुद को जो इजी लगे वो कर। हाँ, अभी आप लोग बताना मैं कौन सा चैलेंज करूं, नहीं मत बताना, आप लोग हाथ बताओगे तो नहीं होगा तो वो तो जो बताएंगे वही करना पड़ेगा भाई। चलो देखेंगे, ट्राई करेंगे। ये देखो अभी एक हाथ से गुठलियां तोड़ती जाओ और फिर छानो। चीटिंग मत करो, उंगली नहीं है ये, डांडू तो है, डांडे से काम चला लेंगे। बस इसमें पानी भी डाला है,
और बेसन भी लाना है अभी, तो इसको अच्छे से मिला ले। ये घूम रहा है कि मैं मिक्स करते करते कल सुबह तक तो घोल रहा ही हो जाएगा। कल सुबह पकौड़े मिलेंगे, बेचने के लिए तैयार नहीं करने, खाने के लिए तैयार करने हैं। देखो आई कैन डू इट। ये तो ज्यादा हो गया। रेडी है, फिर ये आलू बना वो काट के रखे हैं, वो बता दे आलू पूरी, आलू के पकौड़ों के लिए मिर्ची रेडी है धो के, ये रहे मिर्ची, भिंडी के पकौड़े। भिंडी के पकौड़े कौन बनाता है? देखो इसको वो सेलो टेप की वजह से हाथ में गर्मी लग रही है और झाग भी हो गया अंदर, तो अपने आप फूंक मार के ठीक कर रही बेचारी लड़की। ऐसे वो बिल्ली आती है पता है, हाँ वो सो पीसने आती है ना, बस ऐसे तुझे ही धोबी ऐसी हाथ डूब जाएगा इधर से, तो मैं कोई काम नहीं करूंगी फिर। तो सबसे पहले ना गेहूं का जो आटा होता है वो हमें सेक लेना है, अच्छे से सेक लेंगे, घी डालेंगे अब उसके अंदर। तो थोड़ी देर के लिए मम्मा ने उसको सेक लिया, अब उसके अंदर डाल रही है घी। तो घी आप घर का भी डाल सकते हो और बाहर का भी डाल सकते हो, जो डालना हो वो डाल सकते हो। फिर इसे अच्छे से एकदम ही मेल्ट हो जाए, तब तक के लिए हमें इसे पकाना है, घी के अंदर थोड़ी देर के लिए सेकना है, जब तक कि हमारा जो आटा है ना एकदम ही हल्का फुल्का ना हो जाए ना, और जो अब हमें है ना महसूस होने लगेगा कि वाह ये हल्का हो गया है, तब तक हमें इसको मिक्स करना है। और साथ में प्लेट भी ग्रीस कर लिए मम्मा ने। अभी इसका गाजर काटने का टास्क शुरू होता है, चलो शुरू करो। ऐसे गाजर काटेगी तू? एक खाट उंगली बिना उंगली के गाजर काट रही है, अभी सब्जी में डालेंगे कि गाय को? जिसको खिलाने उसको खाने में तो जाए जाए। इसका हलवा बनाना है, ये काट के नहीं बनाना है इसको, तो कद्दूकस करके बनाए। तो कद्दूकस कैसे करूँ, मेरे पास है नहीं ना। चलेगा तू काट पहले, अभी तेरा टास्क है वो कर। तो बहुत वो है, जड़ है जड़ जैसा कर। चल छोड़ इसको, वो तो तू जीत गई है। देखो राउंड राउंड होता है, बाद में काट लेना, हम थोड़ा खा भी लेंगे। ते बकरी गाजर खा रही अभी अभी भिंडी चेरी इसकी काटना है ये। हाँ देखो हो गया, सब कर सकती हुआ हुआ कर सकती है तू। अब बताओ आगे क्या करूँ मैं? अब तू मिर्ची काटेगी, वो भी कैची से। मिर्ची वाह वाह वा। कैची दो तो जरा, कोई कहा मिर्ची को घुसा रही है ये देखो इधर इसकी डंडी आ गई, देखता है अब काटती। देखो एकदम छोटी ना काट, बड़ा बड़ा काट ले। अब इसको निकालू कैसे खींचो निकल गई है बस अभी तेरा टास्क पूरा हो गया, तो छोड़ दे। अब भी मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने, क्योंकि पापा श्री आ चुके हैं। ये देखिए देखिए हमारे सीईओ आ गए हैं घर पे। देखिए फ्रेंड्स ये सुखड़ी बना रहे हैं हम, तो मैंने घी में गेहूं का आटा सेक लिया है और थोड़ा बादामी हो गया, फिर उसको उसमें वो बारीक कट किया हुआ गुड़ ऐड करा, और फिर अब इसको अच्छे से हिला लिया है और ग्रीस की हुई थाली में हमने इसको ले लिया है। फिर इसको ऐसे करके स्प्रेड करेंगे और एक फ्लैट बना देंगे, फ्लैट बना के इसका कटिंग करेंगे छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में। फिर हंसना मत फ्रेंड्स, ये सुखड़ी बन गई है हमारी, अब इसको ठंडा होने देंगे कट करके, फिर इसका पीस अलग करेंगे, ठीक है? बर्तन घिसती हूँ ना, चलो बर्तन घिसवाते हैं। चलो नहीं यहाँ से बर्तन घिसते हाथ से, ठूठी हाथ है ये। चलो इसके मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हाँ बोल। अभी नीचे वाला कपड़ा जो नीचे का पार्ट होता है वो कैसे धोएगी? तो टूटेगा ना, तो फिर तुझे भरपाई करनी पड़ेगी नया लेकर, बहुत देर लगेगी।
आती है तो एक साल बाद ही खींच रहे हैं क्या? पानी कितना वेस्ट कर गए, देख गंगा जल है ये, बड़ा ही मुश्किल वाला टास्क है। ड्रोन के आगे मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बुलाया ड्रोन, मैं हूँ ड्रोन। अब मैं इसको अब नहीं होगा तो अब बनाएंगे बेसन का घोल हमारे भजिए के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दी, हींग डाल दी और धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब क्या करना है, इसको इतना फेटना है ना कि ये फ्लफी फ्लफी सा हो जाए थोड़ा, ओके। और फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा गरम गरम ऑयल, जिससे कि क्या होगा कि अच्छे से फूले फूले हमारे भजिए बनेंगे। तो यहाँ मिर्ची को भी मम्मी ने अच्छे से कट कर लिया है दो हिस्सों में, जिससे कि इसके अंदर नमक भर दिया, जिससे कि एकदम टेस्टी लगेंगे। और अब सबसे पहले पटेटो के भजिए बना लेंगे। आलू के पकौड़े, आलू के सादे पकौड़े बोल सकते हैं क्योंकि आलू के पकौड़े तो वो वाले भी हो जाए ना, वो मसाले वाले, वो तो बता कम कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी फूलेंगे, देख रहा हूँ, ये देखो फूले ना मस्त, पूरिया रेडी है, पूरिया छोटी छोटी आलू की स्टफिंग वाली पूरिया इसका नया नाम, आलू की स्टफिंग वाली पूरिया तो ये देखिए हमारे जो आलू के भजिए हैं वो रेडी हो गए हैं फ्राई होके। और मेरी माता श्री यहाँ पे दूसरे भजिए फ्राई कर रही है। ये देखिए अब बारी है हमारे मिर्ची के पकौड़े की। तो मिर्ची के पकौड़े को मम्मी ने अच्छे से डुबो दिया है बेसन के घोल में, और अब उसको दूसरी डुबकी लगाई है उसने गर्मा गर्म ऑयल में। तो देखिए वो भी रेडी हो गए हैं हमारे पकौड़े, तीखे तीखे मिर्ची के तीखे तीखे पकौड़े। तो सारे के सारे पकौड़े जो है वो रेडी हो गए हैं, अब खाना खा लेंगे और सो जाएंगे। अगले दिन सुबह 6 बजे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब भी बज रहे सुबह के 6 और बहुत ही अच्छा मौसम है बाहर, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऐसे अभी ज़्यादा वो भी नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, अंधेरा अंधेरा सा है, मतलब ठंडी भी बहुत है। सो गुड मॉर्निंग। ये देखो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मम्मी यहाँ पे सब्जियाँ लेके बैठी है, सब्जी बनाएगी, फिर पापा जाएंगे ऑफिस लेके डब्बा और हम दोनों घर का काम करेंगे। अब मैं जा रही हूँ बटाका लेने। तो ये देखिए मैंने 2 बटाके लिए हैं, मम्मी ने 1 मांगा था, मैंने 2 दे दिए। ये लो मम्मी, मम्मी तो आज रही है बन भिंडी की सब्जी। आलू ले लो, भिंडी ले लो। तो यहाँ मैंने आलू को कट कर लिया है धो के अच्छे से, और मम्मी ने भिंडी और लहसुन हरी लहसुन को अच्छे से कट कर लिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। तो थोड़ी देर के लिए ये पक जाएगी और फिर इसके अंदर मसाले कर, और मसाले कर देने के बाद भी फिर इसको ढक के अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर। जब तक हमारी सब्जी रेडी हो रही है तब तक मम्मा बना रही है रोटियां गर्मा गर्म, और पापा देखिए पापा रेडी हो गए हैं और अभी भी स्कूल की तरह आई कार्ड पहन के जाएंगे। तो खोलती हूँ, यहाँ हमारी सब्जी भी रेडी हो गई है एकदम यम्मी वाली, और मम्मा सारा टिफिन में भर देगी पापा को और टिफ़िन लॉक करके रख देंगे। और मम्मा ना बहुत अच्छे से पैक करके देती है, तो थोड़ी सी सब्जी ठंडी हो जाए तब तक के लिए मम्मा रोटियों को घी लगा के अच्छे से पैक कर देगी। और सब्जी के लिए मैं बताती हूँ मम्मी कैसे पैक करती है, तो आप लोग भी टिफ़िन ले जाओ तो उसी तरह से ले जाना, जिससे कि सब्जियों का जो ऑयल है वो बाहर नहीं आए। तो मम्मा है ना ऐसे प्लास्टिक को ऊपर रखती है और फिर उसके ऊपर डब्बे का जो ढक्कन होता है वो बंद कर देती है, जिससे कि
ऑयल बाहर नहीं आएगा। और फिर टिफिन के जो बॉक्स होता है ना, वो कवर होता है, उसके अंदर डाल के ये हमारा टिफिन हो गया है पापा का रेडी। एंड देयर बाय। ये 9 बज चुके हैं और खाना भी रेडी हो गया है हमारा जल्दी जल्दी, तो अब कोई खास काम बाकी रहता है नहीं। सब्जी और रोटी तो ऑलरेडी रेडी हो गए हैं पापा के टिफिन के लिए, दाल चावल हो गए हैं, दाल चावल भी रेडी हो गए हैं, देखा सब कुछ रेडी, 9 बजते ही सारा खाना रेडी हो जाता है हमारा। तो आ गया है हमारा दोपहर का खाना, सब्जी रोटी और दाल है साथ में, यम्मी यम्मी सा खाना बना है आज। वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया था कि सुबह से खाना तो रेडी हो ही गया है, सिर्फ दाल चावल गरम गरम बाकी थे वो भी बन गए थे। और बस दैट्स इट, आज का व्लॉग बस यहीं तक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना और नीचे कमेंट में बताना कैसा लगा। बाय बाय।